भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बांदी कुई निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार चंद दिनों की मेहमान है, ऐसे में सरकार निकाय चुनाव को लेकर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए क्षेत्र के कर्मचारियों को धमकाकर वोट डालने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो मल्ल युद्ध चल रहा है वह जग जाहिर हो चुका है। कांग्रेस चंद दिनों के लिए बैठी हुई है और कुछ समय की मेहमान है। बाइट अलका गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा। मैम, निकाय चुनाव में बांदीपुर में आप वोट बनाएंगे? निश्चित रूप से वोट बनाएंगे। किस मुद्दे पे बांदीपुर में चुनाव लड़े जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और कांग्रेस ने जो मल्ल युद्ध दो धड़ों में बंटी हुई कांग्रेस है, क्षेत्र का विकास, राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो चुका है। और आज मैं यहाँ आई तो मुझे शिकायत मिली कि कुछ जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और डरा धमका के नहीं, ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने जमीर के हिसाब से, और वो देखता है कि कौन उसका साथ दे सकता है, उसके हिसाब से वोट देता है। और फ्री होकर सबको मतदान करना चाहिए और खुले मन से मोदी जी की नीतियों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार पोलिंग करना चाहिए। कहीं मैम नारी सशक्तिकरण का भी मुद्दा रहेगा? नारी को सशक्त बनाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो या इज्जत घरों का मामला। और आपने देखा कि पहली बार देश की रक्षा मंत्री और देश की वित्त मंत्री मोदी सरकार में मंत्री बनी है।